जवाली उपमंडल के तहत पड़ने वाले ऐतिहासिक मनसा मंदिर लाहड़ू के साथ लगते 15 किलोमीटर के एरिया में जंगल में शनिवार रात के समय आग लग गई थी, जिससे भारी मात्रा में वन संपदा का नुकसान हुआ है। मनसा मंदिर के पुजारी सहदेव जरियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जंगल में पिछले इलाके में शनिवार के दिन से आग लगी हुई थी, लेकिन मंदिर से काफी दूर थी, लेकिन शनिवार रात के समय यह आग अचानक मंदिर के पास आ गई और मंदिर के इर्द गिर्द काफी पेड़ जल गए तथा मंदिर पर खतरा मंडराने लगा। परंतु वे स्थानीय युवक मंडल लुधियाड़ के युवा तथा स्थानीय युवाओं की सहायता से रात भर आग बुझाने में लगे रहे। आखिरकार रविवार करीब सुबह 4 बजे आग पर काबू पाया गया तथा उन्होंने राहत की सांस ली। बता दें कि आग पर काबू पाना इतना आसान नहीं था तथा मंदिर के साथ लगते जंगल के बीचों बीच पानी नहीं पहुंच सकता था, लेकिन युवक मंडल लुधियाड़ के युवाओं ने बाल्टियों व पानी की पाइपों की मदद से उन्होंने आग पर बड़ी ही सूझबूझ के साथ काबू पाया। उन्होंने जवाली विधानसभा क्षेत्र के लोगों से गुजारिश की है कि कुछ लोग अपने फायदे के लिए जंगलों में आग लगाते हैं, लेकिन इससे जंगल में काफी नुकसान हो जाता है। इस तरह का कार्य ना करें तथा लोगों से आह्वान किया है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिल सके। मेरा तो कहना यही है कि ये बहुत ही बुरी बात है जंगल में आग लगाना, और ये जो आज रात को आग लगी थी, ये जंगल पूरे जंगल तबाह हो गए हैं। मनसा माता मंदिर के बाद आग पहुंच गई थी और स्थानीय युवक मंडल लुधियाड़ के भी कुछ सदस्य थे, और जो मनसा माता मंदिर में जो लड़के आते हैं उन्होंने बहुत मशक्कत की साहब को काबू में पाने के लिए, और सुबह 4 बजे काबू पाया गया साहब को, और मैं उनको दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जिन्होंने आग लगाई है उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये काम ना करें। बाकी आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि लोग पेड़ लगाएं और आग ना लगाएं, इससे जो है भीषण गर्मी तभी तो पड़ रही है, तो इससे हम उनको ये अनुरोध करते हैं कि बरसात में जब बारिश होगी तो पेड़ लगाएँ और ऐसा काम ना करें। धन्यवाद जी।